कि आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई प्लीज हमें कोई बुक सजेस्ट करिए जिससे हम अपनी पढ़ाई को आगे स्टार्ट कर सके। सिर के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक प्रोवाइड करता हूँ, उसमें से कंटेंट देख देख के पढ़ना है। ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड है, तो इन दोनों की ही मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूँ। गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर के बुक्स एंड राइटर्स के नेम के बारे में, यानी कि फाइनली स्टूडेंट आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सभी को कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी और साथ में हम बात करेंगे आपके राइटर्स वगैरह के नेम क्या होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज समझा सकूं, प्लीज पूरा देखना वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि जो आपकी पहली यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वो बीटी बोर्ड था, अब आपका यूनिवर्सिटी चेंज हो चुकी है, अब आपकी डीएसयू यूनिवर्सिटी हो चुकी है। यहां पे देखो कॉलेज की तरफ से अभी तक कुछ नहीं बताया गया बुक्स वगैरह के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन बोल लेते हैं। फाइनली हमने सोचा हमें वीडियो बनाते और आपको मैं एक बार गाइड कर देता हूं, क्योंकि आप सबके भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई प्लीज हमें कोई बुक सजेस्ट करिए जिससे हम अपनी पढ़ाई को आगे स्टार्ट कर सके, क्योंकि आपको पता है कि आपका जनवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इनके जो पहला पेपर होगा, इनके मिड सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो जनवरी के एंड में स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एकेडमिक कैलेंडर वाले वीडियो में बताया था मैंने। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। तो इससे आपका होगा क्या कि आप सभी को सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी है, इस तरीके से मान लीजिए किसी किसी के पास केमिस्ट्री भी है, तो कैसे आप कवर करोगे? पहले से आपके पास बुक्स वगैरह तो होनी चाहिए ना। तो फाइनली इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कौन कौन सी बुक्स वगैरह को बाय करना होगा, जैसा कि हम कुछ कुछ बुकों को आप सभी को पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे। तो यहां पे देख लीजिए मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करता हूं, उससे पहले मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए, यानी कि दोनों स्टूडेंट के लिए, चाहे प्राइवेट वाले हो चाहे गवर्नमेंट वाले हो, आप दोनों के लिए बहुत यूजफुल होगा। मैं दोनों ही के लिए ये बिल्कुल कॉमन वीडियो बना रहा हूं, राइट? तो आप सब कंफ्यूज मत हुआ करो भैया, गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट के लिए, भाई दोनों के लिए वीडियो है, ठीक है? सबसे पहले इन पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहां पे देख लीजिए और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ये ध्यान देना कि यूजफुल है सभी ब्रांच के लिए, यानी कि यूजफुल है सभी ब्रांच के लिए, यानी कि आपका ब्रांच कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, आप सभी के लिए यूजफुल होगा अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है। तो देख लीजिए ध्यान से, अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आपके लिए बुक यूजफुल होगी। एंड देन ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे लिखा मैंने यूजफुल फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, और साथ में जो जो बच्चे अपने गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा, यानी कि दोनों के लिए ही, बोथ के लिए यूजफुल है, ठीक है? तो ये चीज तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ कि हमने आपको ये बताया कि हम आपको जो भी बुक बता रहे हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए यूजफुल है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले प्राइवेट के लिए मैं बात करूं तो प्राइवेट के लिए आपका वही सिलेबस रहेगा जो आपका प्रीवियस ईयर था, यानी कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो मैकेनिकल का पहले सिलेबस हुआ करता था वही इस बार भी होगा, और आपका इलेक्ट्रिकल वगैरह सभी के लिए यही सिलेबस रहेगा। मैंने एक बार बात करी थी वहां पे, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, उन्होंने मेरे को बताया तो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई चेंजेस होता है, क्योंकि उन्होंने बोला था हो सकता है चेंजेस होता है, हम आपको बता देंगे। तो फाइनली मैं आपको बताता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ना चेंज हो, है ना? अगर चेंज नहीं हो रहा अभी तो आपके लिए यही सारी चीजें रहने वाली है, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। और गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? जितनी बुक्स मैं बता रहा हूं। एंड देन हमारा है आपका, देखो ये पहला, हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस करा, तीसरा पॉइंट सुनिए मेरा, मैं इसलिए पहले आपको बता दे रहा हूं, कहीं कहीं आप इस बुक को बाय करके ले आओ फिर बोला भैया हमारे कॉलेज में तो यूजफुल ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पहली सारी चीज डिस्क्राइब करता हूं। तो यहां पे देखिए तीसरी चीज क्या है कि आपको बाय करनी है बुक्स, यानी कि बुक्स को बाय करना है जब आप कंफर्मेशन ले लोगे, किससे? कॉलेजेस वगैरह से। जब कंफर्मेशन ले लेते हो, यानी कि जब कॉलेज के टीचर बोल देंगे हाँ जी ये बुक बाय कर सकते हो आप, तभी आपको बाय करना है, अन्यथा आपको बाय नहीं करना है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि भैया आपने ये राइटर का बताया था हमने तो ये बाय कर लिया, अब टीचर हमें ये बाय करने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है? तो एक बार आप कंफर्मेशन लोगे किससे, टीचर के अपने, यानी कि टीचर से अपने कंफर्मेशन लोगे तभी बुक को बाय करना बनना मत करिएगा, चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो। मैं आपको कॉस्ट ऑफ फ्री इन सभी की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि सभी बुक्स की आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा कॉस्ट ऑफ फ्री, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लूंगा मैं, ठीक है? जल्दी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, दो तीन बुक और रहेगी, जैसी पीडीएफ बन जाती है फाइनली मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, राइट स्टूडेंट? यहां पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अगला आपका यहां पे मेन टॉपिक मैंने लिख रखा है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे देखिए नेक्स्ट हमारा है बुक्स प्रोवाइड हम करेंगे, देख सकते हो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपके बुक्स का मैं राइटर्स वगैरह नेम बता रहा हूँ, इस ईयर में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं सीधी बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके कॉलेजेस वाले कुछ भी नहीं बता रहे हैं अभी तक, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी वो कह रहे भैया हमें बुक्स से रिगार्डिंग अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। तो फाइनली हम आपको क्या कर रहे हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर हुआ करता था बुक उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ मैं, और आपको यही सारी चीजें मैं बुक्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा पुराने राइटर के अकॉर्डिंग ही। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। एंड देन स्टूडेंट ये आपका हो गया इस तरीके से। फोर्थ पॉइंट, एक हमारा लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, और ये जितने भी बुकें हैं
वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक्स है, यानी कि मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट बुक्स बता रहा हूँ। हो सकता है आपका टीचर टू टीचर अलग अलग चीजें बताए, जैसे कोई बोल सकता है अप्लाइड मैथमेटिक्स का एडिशन में ले लीजिए, इस तरीके से हर टीचर अलग अलग बता सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सही है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो राइट स्टूडेंट, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए सुन, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, इनके अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट आपका इस बार आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। यहाँ पे क्या हुआ कि कैलकुलस इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपके इनके जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसी के अंदर आपका कैलकुलस वाला पार्ट है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता, मैथ टू में आपका कैलकुलस का पार्ट था, लेकिन इस बार आपका कैलकुलस का पार्ट इसी के अंदर आ रखा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ इसके लिए। देखो अप्लाइड मैथ फर्स्ट की और सेकंड की, यानी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बुक प्रोवाइड करता हूँ, उसमें से कंटेंट देख देख के पढ़ना है। जैसे मान लो आपके पास पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री जो आपका अप्लाइड मैथ फर्स्ट में, यानी जो मैं बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ ना उसके फर्स्ट में आपका ट्रिग्नोमेट्री, आप वहां से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना। दूसरी चीज, आपका कैलकुलस जब स्टार्ट होगा, यानी कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन वगैरह लिमिट वगैरह किसमें, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड वाली बुक में जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो उस बुक के अंदर से आप क्या करोगे, कैलकुलस वाला पोर्शन पढ़ लोगे। और अगर आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाला अगर आपका चैप्टर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर आपका ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है इसी के अंदर है, तो आप फाइनली इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट से पढ़ लोगे। मैं और भी डिटेल में जब अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे तब मैं और आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बता रहा, इतनी चीज अभी आप क्लियर रखिए, यानी कि मैं आपको जो बता रहा हूं ना इतनी चीज आप क्लियर रखो कि हमने आपको ये बताया कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट और सेकंड हम आपको दोनों की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। इस बार आप क्या करोगे, अपने कंटेंट को देख देख के इसमें से पढ़ लोगे दोनों बुक की हेल्प लेके। तो ये चीज क्लियर हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हाँ हाँ सर हमें क्लियर हुआ है, ठीक है। अब सुनिए अगली नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारा क्या, यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स की बेस्ट बुक में बता दूंगा आप लोगों को अभी, एंड देन हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री और उसका देख सकते हो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की बुक। देखो ये फर्स्ट सेमेस्टर की, ये नहीं कह रहा हूं कि सभी को पढ़ना है भाई, देखो आपको क्या करना है अपना पहला सिलेबस देखना है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखना है। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखो, इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखिए। मैंने आपको सिलेबस की वीडियो बना के दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपके सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपका होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट या फिर आपका होगा केमिस्ट्री, इस तरीके से सब्जेक्ट होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से जो जो सब्जेक्ट है उसके अंदर, तो आप इसकी बुक्स मेरे पास से ले सकते हो, बाकी मेरे पास और भी किसी चीज की बुक नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगी उनके पास, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक मेरे पास नहीं है, जितनी है मैं उतनी प्रोवाइड कराता हूं। तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में देख लेना कि कितनी बुक आपकी इससे मिल रही है, फाइनली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बुक्स आपको प्रेफर करना होगा अपने टीचर्स वगैरह से, यानी कि उनसे पूछ के आपको बाय करना होगा। तो इतनी चीज आपको क्लियर है, राइट? तो मैंने आपको ये चीज भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो ड्रॉइंग हो गया हमारे पे, यानी कि इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, या फिर आप बोल सकते हो गया ये ग्राफिक्स। तो बात एक ही है, दोनों का ज्यादा अंतर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, है ना, दोनों सेम चीज है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के ऊपर मैं टूल्स वगैरह की वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जरूर देख लीजिएगा। एंड देन स्टूडेंट हमारा क्या, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट की बुक हम प्रोवाइड करेंगे आपको, हम अप्लाइड फिजिक्स की आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं राइटर्स के नेम आपको बताता हूं। स्टूडेंट अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के लिए राइटर्स वगैरह क्या नेम है। तो सबसे पहले मैं बुक्स को यहां पे दिखा देता हूं आपको, जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी बुक्स है। सबसे पहले आपका ये अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, यानी कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। तो आपको करना क्या इनमें से, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है, देखिए सॉरी ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड है। तो इन दोनों की ही मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूं। इसके अंदर क्या है कि आपका ना देखो कैलकुलस वाला पार्ट सेकंड में है, ठीक है, और बाकी जो है आपका इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री आपका इसके अंदर यानी कि फर्स्ट वाले में। तो इस तरीके से हमने कंटेंट को देख देख के आप दोनों बुक्स की हेल्प लेके आप पढ़ सकते हो। तो चीजें क्लियर है आपको, तो दोनों ही बुक्स के जो राइटर्स का नाम है मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे लिख के। वैसे आप टीचर से जरूर पूछ के बाय करिएगा, ऐसे नहीं मैं लिख दिया बाय कर लो मार्केट से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुन लीजिए इसके राइटर्स का नाम है आपका डॉक्टर रामपाल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका डॉक्टर, है ना, डॉक्टर रामपाल और के प्रसाद। तो यहाँ पे हमारा के प्रसाद करके, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको बाय करनी होगी, पहली चीज क्लियर है। एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे हम इतना खत्म करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए, तो देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स के हम आपको बता देते हैं, तो वन मिनट थोड़ा सा वेट करिए। अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए देखिए, तो ये हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की हो गई, ये देख सकते हो अप्लाइड मैकेनिक्स की बेस्ट बुक है, आपके टीचर भी यही बोलेंगे, एक ही उपाध्याय इस बेस्ट बुक है आपकी और इसके अंदर सारे कंटेंट है आपके। तो यहाँ पे हम इसको रेफर करना चाहेंगे आपको कि एके उपाध्याय, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका एके उपाध्याय, ठीक है। एक बार आप कंटेंट चेक कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टूडेंट फाइनली आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, इसके अंदर जितना भी आप कंटेंट है उसका यूज करिएगा, यानी कि जो आपके सिलेबस में है और जो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें मिल जाए आप पढ़ लीजिएगा, बाकी अपने टीचर से पूछ सकते हैं आप, राइट स्टूडेंट। तो जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। तो फाइनली हम आपको यहाँ पे बता देंगे एक उपाध्याय हो गया आपका मैकेनिक्स के लिए। एंड देन हमारा नेक्स्ट देख लीजिए कि आपका केमिस्ट्री, तो अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए देखिए, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वन मिनट, ये देखिए हमारी केमिस्ट्री की बुक है। तो केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है आपके उषा राजू की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका उषा राजू, इस तरीके से उषा
ठीक है, ऊषा राजू के राइटर्स के नेम है आपके ऊषा राजू का, ठीक है, आप लिखते हुए चले एक बार, तो ये क्लियर है आपको। इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जितना कंटेंट मिल जाएगा इसमें से पढ़ लीजिएगा, राइट। एंड देन हमारा नेक्स्ट आपका क्या है, देख सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर ग्राफिक्स, लेकिन मेरे पास ड्राइंग की है। देखो ग्राफिक्स ड्राइंग बात एक ही होती है, नाम अलग अलग है बस। तो यहाँ पे मैं बुक्स आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपकी बुक्स है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, फाइनली आपका ईडी की बुक है ये, या फिर आप यहाँ पे ग्राफिक्स भी बोल सकते हो, नो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सब्जेक्ट एक ही होते, किससे भी पूछ लेना दोनों सब्जेक्ट एक ही होते आपके। तो इसके जो राइटर्स के आपके नेम है और इसके अंदर जो भी कंटेंट आपको मिल जाए उतना पढ़ लीजिएगा आप, है ना। इसकी मैं पीडीएफ आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका नाम है आपका सुरजीत सिंह, तो फाइनली हम लिख देते हैं यहाँ पे सुरजीत सिंह, ठीक है, सुरजीत सिंह है इसका नाम, इनके राइटर का नाम मेरा मतलब सुरजीत सिंह, इस तरीके से। एंड देन स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट, यानी कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वन मिनट रुकिए, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट, या देख सकते हो आपका इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट है, इसमें आपके जो राइटर्स के नेम है वो आपका है अरविंदर ढिल्लो, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके, ये आपका अरविंदर ढिल्लो की, इस तरीके से हमने लिख दिया, है ना। और ये आपका राइटर का नेम होगा इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट की। एक और बुक होती है उसका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन वो भी बेस्ट होती है इससे थोड़ी, तो मैंने आपको ये बता दिया, बाकी आप टीचर से देख लेना टीचर क्या बताते हैं, वैसे मैं पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ ना, है ना। एंड देन आपका लास्ट हो जाएगा अप्लाइड फिजिक्स, तो अप्लाइड फिजिक्स की तो बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए अप्लाइड फिजिक्स की तो बेस्ट बुक है वो एचआर मीना की, आपको ये टीचर ने बताया भी होगा कि एचआर मीना की बाय करिए, ये आपकी बेस्ट बुक है, बाकी आपके टीचर जैसा बोले वैसा कर लेना। इसके अंदर जितनी चीजें एक्सप्लेन है आप उतनी पढ़ लीजिए, यानी कि जितना कंटेंट है उतना पढ़ लीजिए, बाकी का आप नेक्स्ट आप बाद में देख सकते हो किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे इसका जो नाम है आपका राइटर का, उसका मैं राइटर नाम बताता हूँ आपको, एचआर मीना, यानी कि आचार मीना। तो फाइनली हम आपको ये सारी बुक्स प्रोवाइड करने वाले इन राइटरों की, तो और ये जो जितनी भी बुकें होंगी प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उनका कोई भी चेंज नहीं हुआ सिलेबस में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, चलिए मैं आपको इन सभी का पीडीएफ जो है जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे, दो चार बुक और रहेंगे जैसे ही बन जाता है, या फिर मैं एक काम करूंगा आपको पहले इन दोनों की, फिर इस तरीके से हम टू टू करके आपको सारी बुक्स प्रोवाइड करा देंगे, ताकि मुझे लिंक जनरेट करने में भी प्रॉब्लम ना, और मैं जल्दी जल्दी आपको सारी बुक्स प्रोवाइड करा सकूं, डोंट वरी मैं कर दूंगा आपको, इतनी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी स्टूडेंट हम आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, डोंट वरी। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।